नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज हम आए हैं कॉफी ठेका शॉप में। आइए उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आ जाओ। सर अपना नाम बताइए। अरुण शर्मा। सर आपकी ये शॉप कब से खुली है? ये अभी 1.5 मंथ हुआ है। लॉकडाउन लगने के लगभग 1 हफ्ता पहले हमने ओपनिंग किया था जी। और बहुत पॉजिटिव थे इसको लेकर कि सब कुछ खुल चुका है, मार्केट अच्छा चल रहा है, लेकिन कोरोना रिपीट आया और फिर लॉकडाउन लग गया तो बिज़नेस पे बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि फूड इंडस्ट्री में ऐसा है कि बिज़नेस वॉक इन के थ्रू ही ज़्यादा आता है, ऑनलाइन में भी आता है बट वॉक इन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और लॉकडाउन की वजह से वॉक इन नहीं है तो हम अभी खाली बैठे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? लगना भी चाहिए, लेकिन अगर जब तक लोग साथ नहीं देंगे तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर लोग इरिस्पॉन्सिबल रहे कोरोना को लेकर, क्योंकि एक बीमारी है और सीरियस चीज़ है जिसको सीरियसली लेना चाहिए, और ये हमारी गलती की वजह से ही इतना स्प्रेड हो रहा है। तो अगर हम इसके बारे में सोचेंगे कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पब्लिक तो निभा ही रही ना, अपना फर्ज तो निभा ही रही है, क्योंकि जो जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने लगाए हैं, प्रशासन ने बताया कि ये रूल फॉलो करो, वो रूल फॉलो करो, तो सब तो वो कर ही रहे। उसके बाद भी तो दिन भर पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। ये किसी को ऐसा लगता है कि सब फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग घर में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग मार्केट में बैठते हैं तो हमको दिखता है कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से क्या फॉलो करना चाहिए? मास्क भी लगा रहे हैं सब लोग। हाँ जी, एक्चुअली थोड़ा सा भीड़ वगैरह अवॉइड करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है जिसको लोग इग्नोर करते हैं। बाज़ार के लिए परमिशन नहीं थी लोगों, लेकिन बाज़ार लग रहा है, लोग आ रहे हैं। ठीक है, एसेंशियल चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शंस है, आपके घर के आसपास भी चीज़ें मिलती है, तो आपको एक जहाँ पे क्राउड इकट्ठा होता है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के पास 2 पैसे महंगा मिलेगा लेकिन वहाँ से ले सकते हो अगर आप बीमारी अवॉइड करना चाहते हो तो ये एक सोल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है। आप अपने यहाँ किन किन बातों का ध्यान रखते हो? हमारे यहाँ हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हमारे कस्टमर्स बैठते हैं तो ये भी सैनिटाइज होता है, दिन में 3-4 बार होता है, कस्टमर भी सैनिटाइज करते हैं हाथ वगैरह। मास्क एसेंशियल रखते हैं हम लोग खाते समय, तो जैसे अगर 2 लोगों का 3 लोगों का 4 लोगों का ग्रुप है तो उनमें चल जाता है, बट अगर इनके अलावा कोई दूसरे कस्टमर्स हैं तो हम उनमें डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स को अंदर नहीं आने देते। एक टाइम में कितने लोगों को आप एंट्री देते हो? 50% गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि 50% से ही आप चला सकते हो, तो हम ट्राई करते हैं कि 50% लोगों में ही हम चलाएं, और उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो हम उनको थोड़ा सा वेटिंग टाइम देते हैं। अच्छा। यहाँ से क्लियर होने के बाद नेक्स्ट कस्टमर को टाइम मिलता है। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारा बेसिकली फास्ट फूड कैफ़े है, प्योर वेज है, और हम लोग ये जगह पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरी, ये सारी चीज़ों के किटी पार्टी वगैरह हो गई, इनके लिए बुकिंग देते हैं। रेट्स क्या है? रेट्स हमारे 15 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स हैं, और जो उसमें आपका ये प्राइवेट बुकिंग रहेगा, ये स्पेस आपको मिलेगा 2 आवर्स के लिए, आप सेलिब्रेट कर सकते हो जो भी आपका ओकेशन है। उसमें हम अपना एक बेसिक डेकोरेशन प्रोवाइड करते हैं और बाकी जो फूड आप खाओगे उसका चार्जेस अलग से रहेगा। अभी जैसे कि 31 तक की लॉकडाउन लगा था, उसके बाद अभी 1 तारीख से फ्री हो गया जी, तो आप देख सकते हैं कि रोड पर सारे जो आम लोग हैं वो निकल ही रहे हैं, तो ये क्या एक रीज़न है कि पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं? हाँ, रीज़न तो है, क्योंकि लोगों के काम, बहुत सारे लोगों के काम पेंडिंग पड़े हैं, और जो लोग अब तक घर में थे उनका पैसा भी ख़त्म हुआ है। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेजेस पे कमाते हैं और डेली उनका घर चलता है, उनको काम के लिए जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वायरस का इफेक्ट होता ही है। लेकिन प्रशासन एकदम से ही लॉकडाउन लगा देती है जी, लोगों का ये नहीं सोचती कि रोजी रोटी के लिए वो लोग बाहर निकलते, बाहर नहीं जाएंगे तो वो लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, तो इसकी भी तो व्यवस्था गवर्नमेंट ने करके देनी चाहिए ना। गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं, बट गवर्नमेंट के लिए इतना ईजी नहीं होता ग्राउंड लेवल पे चीज़ें करना, क्योंकि वो अगर कोई चीज़ इम्पोज करते हैं, अगर डायरेक्टली अगर लॉकडाउन लगता है या ऐसा कोई डिसीजन वो लेते हैं तो उसके पीछे उनके पास समय नहीं है। एक्चुअली इतना बड़ा क्राउड, इतनी पब्लिक को एक साथ मतलब एक जगह पे कुछ चीज़ फॉलो करवाना इतना आसान नहीं है, तो हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। बाकी हमारे ऊपर भी है, अगर हम चीज़ें फॉलो करेंगे तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि पिछले बार के हिसाब से इस बार का जो आया है जी वायरस, एडवांस वायरस, तो ज़्यादा बढ़कर आया है। और सुनने में ये भी आया है कि बेड्स की भी कमी हो रही है। हाँ, बेड्स की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, इसीलिए इसका एक ही इलाज है, हम खुद इस चीज़ का ध्यान रखें ताकि हमको कुछ नहीं होगा तो बेड तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, हॉस्पिटल तक जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर कुछ एसेंशियल काम है तो ही बाहर निकले, वरना अवॉइड करें।